ममता शर्मा दिल्ली ब्लॉगर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की मनपसंद डिश जिसका नाम है मोमोज। तो आइए हम तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। यहाँ मैंने ये कुछ एक कटोरी सोयाबीन की बड़ी ली है जो मैंने पहले से ही भिगो कर रखी है। ये बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं। अब मैं इनको निचोड़ कर मिक्सर में डाल लूँगी। मैंने सारी सोयाबीन की बड़ियों को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो देखिए गैस मैंने इसको पीस लिया है। इस तरीका से आपको सोयाबीन को पीसना है। तो गैस मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो गैस ध्यान रखें आप सोयाबीन को ना तो ज़्यादा मोटा पीसें और ना ही ज़्यादा इसको बारीक करें। आपको इस तरीका से ही रखना है। यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा लिया है जिसका मुझे डो तैयार करना है। तो मैं मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। तो गाइस हमें मैदा का डो ही सबसे अच्छा बनाना है, तभी हमारे मोमोज अच्छे बनेंगे। मैदा को हमें बहुत अच्छी तरीका से मसल कर गूंथना है और इसको काफ़ी देर तक गूंथना है, तभी हमारे मोमोज अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए गैस मैं इस तरीका से मोमोज का आटा तैयार कर रही हूँ। इसको फिर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। मैंने इसमें आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। तो इसे अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। मैं इसे ढक देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। तो इधर गैस मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है और गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है और 5 से 6 लहसुन की कली हैं। ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है और ये सोयाबीन पिसे हुए हैं। तो मैं कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। तेल गरम होने के बाद मैं सबसे पहले इसमें लहसुन की कली डालूंगी। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल दूंगी। फिर इसे मुझे चलाते रहना है। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा पकाना है। प्याज पक चुका है, मैं इसमें सोयाबीन डाल देती हूँ। सोयाबीन को डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गैस हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें इसमें नमक और लाल मिर्च का पाउडर ही डालना है। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो मैं फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए हमारी सोयाबीन की स्टफिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखिए ये मैंने अच्छे से भून ली है। अब ये बनकर तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ।
मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम देखते हैं अपने डो को कि हमारा डो कैसा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ। नमक हम बाद में ही डाल रहे हैं। अब मैं इसको अच्छे से मसल मसल कर डो को तैयार कर लूँगी। इसे हमें बहुत अच्छे तरीका से मसलना है और कुछ देर तक ऐसे ही इसको मसलते रहना है। तो देखिए गाइस, मैं किस तरीका से इसको डो को तैयार कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीका से करें तो आपके मोमोज बनकर बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने भगोना लिया है, तो मैं आज भगोने में ही मोमोज बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। यहाँ मैंने इस पर चलनी रख दी है। इस भगोने पर मेरी चलनी अच्छे से फिट आ जाती है। तो देखिए मेरा डो कितने अच्छे से तैयार हो गया है। इसको इस तरीका से खींच कर देखो, ये बिल्कुल नहीं टूट रहा। और मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने के लिए इसको कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ली हैं। तो मैं सारी लोइयों को बनाकर इस तरीका से तैयार कर लूँगी। फिर मैं चकला की सहायता से सारी लोइयों को बेलकर रख लूँगी। तो गैस मोमोज बनाने के लिए पूड़ियों को बहुत ही हल्की बनाना होगा आपको, ताकि हमारे मोमोज कच्चे ना रहें। पूड़ियों की परत बहुत ही हल्की होनी चाहिए। ये देखिए गैस कितनी हल्की परत है इसकी। मैंने इसको खूब चौड़ा कर लिया है। ये देखिए कितनी हल्की पूड़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए गैस, इसी तरीका से मैं सारी पूड़ियों को तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, अब मैं मोमोज भरना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए गाइस, आपकी पूड़ियों का जितना साइज हो उसी हिसाब से आप इसके अंदर स्टफिंग भर सकते हो। मैंने मोमोज थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं, तो मैंने इसमें स्टफिंग भी ज़्यादा ही भरी है। तो देखिए गाइज, आपको इस तरीका से मोमोज को मोड़ना है। चारों तरफ से इस तरीका से हम मोड़ते चले आएंगे, जैसे हम साड़ी की प्लेट बनाते हैं। तो देखिए लास्ट में भी हम इसको इस तरीका से मोड़कर और पकड़कर ऐसे मोड़ देंगे इसे, और मोड़कर इसको नीचे की तरफ दबा देंगे। तो देखिए हमारा मोमोज बनकर तैयार है। मैं आपको एक मोमोज और बनाकर दिखाती हूँ। इसमें भी हम इसी तरीका से स्टैपिंग भर लेते हैं। मैं इसमें खूब ज़्यादा स्टैपिंग भर रही हूँ। तो देखिए गाइस, फिर से इसको इस तरीका से मोड़ना है, इस तरीका से मोड़कर फिर लास्ट में इसको पकड़कर फिर इसे ऐसे घुमाकर। अगर आपकी स्टैपिंग ऊपर ज़्यादा है आटे की, तो उसे आप तोड़ सकते हैं इस तरीका से, फिर नीचे को इसे दबा दें। ये देखिए इस तरीका से हम सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लेते हैं। इधर हमारा पानी भी उबल चुका है और हमने चलनी पर पहले से ही ऑयल लगाया हुआ है। हमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे नीचे ये मोमोज चिपके ना। फिर मैं इसको ढक दूंगी इसे 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए गैस, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं अपने मोमोज को देख लेती हूँ। तो देखिए गैस, ये अच्छे से पक चुके हैं। इनकी सारी अंदर की स्टैपिंग दिख रही है, आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हैं। तो अब मैं इनको देख लेती हूँ, ये चिपके तो नहीं है। तो एक भी मोमोज मेरा चलनी में नहीं चिपका है। तो अब मैं चिमटे की सहायता से मोमोज को प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरीका से ही मैं सारे मोमोज निकाल कर प्लेट में रख लेती हूँ।
तो देखो गैस कितने अच्छे मोमोज बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए। अगर आपको मोमोज के साथ की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तो ये देखिए गैस कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। चटनी के साथ खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए अंदर की सारी स्टफिंग आपको इसमें से दिखाई दे रही होगी, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे मोमोज बने हैं। तो गाइस मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए कितने टेस्टी हैं हमारे मोमोज और कितने सॉफ्ट हैं। इनके अंदर की सारी स्टफिंग बिल्कुल साफ दिख रही है। तो देखिए गाइस आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे मोमोज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय बाय।